वेलकम बैक गाइस, आज डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं और इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि जब आपके पीरियड साइकिल मिस होंगे तो उससे पहले आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण महसूस होंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, नॉर्मली जो फीमेल का पीरियड साइकिल होता है, अगर उसकी एवरेज डेट बताएं तो वो 28 डेज होती है, मतलब कि 28 दिन की अवधि होती है किसी भी स्त्री के मासिक चक्कर की, मतलब कि पीरियड साइकिल की। अगर उसका हाफ कर देते हैं, मतलब कि 40 डे पर ओवल्यूशन होता है। अब ओवल्यूशन क्या होता है, जब फीमेल की ओवरी मतलब कि अंडेदानी से एक अंडा रिलीज होता है और ये अंडा हर मासिक चक्कर में मतलब कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है। फीमेल की दो ओवरीज होती हैं, मतलब कि दो अंडेदानी होती हैं और हर पीरियड साइकिल में एक अंडेदानी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। मैच्योर का मतलब है विकसित एग, जो कि फर्टिलाइज हो सके। अब फर्टिलाइज किससे होगा, मेल के स्पर्म के साथ, मतलब कि पुरुष के शुक्राणु के साथ। जब इसका मिलन होता है एग का तो ये फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब कि जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है। जब ये एग फर्टिलाइज होगा तो ये यूट्रस में इम्प्लांट होगा, ठीक है। तो जब ये अंडा ओवरी से रिलीज होता है उसी दिन को ओवल्यूशन डे बोला जाता है। तो ओवल्यूशन टाइम पीरियड से ही प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, अगर एग मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया और वो एक नन्ना सा जाइगोट बन जाता है, फिर वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में वहाँ पर जो प्रेगनेंसी मटेरियल है, एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, प्लेसेंटा वगैरह बनता है। तो ये लंबा प्रोसीजर है, 9th मंथ की प्रेगनेंसी की जर्नी है। लेकिन आपके पीरियड साइकिल के मिस होने से पहले और ओवल्यूशन टाइम पीरियड के बीच का जो समय है, जहाँ पर आपकी बॉडी आपको कुछ साइनो सिम्टम्स देती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पीरियड साइकिल के मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के अर्ली साइनो सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो गाइस, जो पहले नंबर पर प्रेगनेंसी का अर्ली साइनो सिम्टम है वो है नोजिया, मतलब कि जी मितलाना। आप इसे आम भाषा में समझ सकते हैं कि आपको उल्टी जैसा महसूस होना लेकिन उल्टी ना आना। ये प्रेगनेंसी के नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण आपको मितलाई आती है, ओके। तो अगला है साइनो सिम्टम्स दूसरे नंबर पर, वो है वोमिटिंग। आपने सुना होगा कि गर्भावस्था के टाइम पीरियड पर हर फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस होता है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको नोजिया और वोमिटिंग दिन में किसी भी समय पर हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुबह के टाइम हो। कई फीमेल को इवनिंग के टाइम नोजिया वोमिटिंग फील हो सकता है, कई फीमेल्स को दोपहर के समय नून के टाइम उनको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग के टाइम ही नोजिया वोमिटिंग फील हो। थर्ड नंबर पर है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें आपको टेंडरनेस महसूस होगी, साथ ही आपको ब्रेस्ट सोर की भी प्रॉब्लम होगी। जब आप अपनी ब्रेस्ट को टच करोगे तो आपको वहां पर दर्द महसूस होगा, साथ ही आपको ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती हुई महसूस होगी, मतलब कि अगर आप अपनी ब्रेस्ट को हाथ लगाओगे तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपकी ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ेगी तो ब्रेस्ट का साइज भी बड़ा होगा। वहाँ पर आप जो मिल्क को स्टोर करने की पाउच होती है, डक्स होते हैं, वो भी आप इजली टच के माध्यम से हाथ लगाकर आप इजली फील कर सकते हो। साथ ही ब्रेस्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होता है, तो आप वहाँ पर जो वेन्स हैं और जो आर्टरीज हैं उनको आप इजली देख सकते हो। और जो अगला साइनो सिम्टम है वो है एरियोला का डायमीटर का बड़ा हो जाना और थोड़े गहरे रंग का हो जाना।
आप देखेंगे कि जो ब्रेस्ट की निपल है उसके साइड में जो आपको आकृति मिलती है जिसे एरियोला बोलते हैं, उसका डायमीटर प्रेगनेंसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा और इसका रंग भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, सामान्य से ज़्यादा डार्क। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइनो सिम्टम है, ठीक है। अगला है साइनो सिम्टम, वो है फैटीग। जब आप कंसीव करते हो तो हार्मोन इफेक्ट के कारण, जो कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, तो आप थकान जरूरत से ज़्यादा महसूस कर सकते हो। और अगला साइनो सिम्टम है वो है एलिवेटेड BBT, मतलब कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति रेस्ट मोड पर है, रेस्टिंग स्टेट पर है, और अगर उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मिनिमम है, ठीक है, रेस्टिंग रेट पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जब आपने कंसीव कर लिया होगा तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 1 degree Fahrenheit ज़्यादा होगा। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का अर्ली साइनो सिम्टम है। अगला है क्रैम्पिंग। जब आप कंसीव कर लोगे और जब ये फर्टिलाइज एग यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो इम्प्लांटेशन के टाइम आपको आपके एब्डोमन रीजन में हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होगी, मतलब कि हल्का सा आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का अर्ली साइनो सिम्टम होता है। अगला है स्पॉटिंग या फिर लाइट ब्लीडिंग, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि सामान्यतः क्रैम्पिंग के साथ होती है, और ये कई बारी फीमेल्स इसे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कंसीव करते हो अपने ओवुलेशन टाइम पीरियड के अराउंड, तो फर्टिलाइज जो एग है वो यूट्रस में कम से कम 7 से 12 दिन के अराउंड जाता है, और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो आपके पीरियड साइकिल के दौरान ही होगी। इसीलिए कई बारी जो फीमेल्स हैं इन्हें अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लेते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन में ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, जितनी आपके पीरियड साइकिल में होनी चाहिए उससे कम। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो कम से कम 2 दिन तक होती है और बहुत ही लाइट होती है। तो ऐसे आप इजली अपनी प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको और भी ज़्यादा प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स महसूस होते हैं जब आप अपने पीरियड साइकिल की डेट को मिस कर देते हो, जैसे बारी बारी यूरिन का आना। अब यूरिन का आना भी कई कारणों के कारण होता है। पहला तो ये है कि जब बेबी यूट्रस में अपनी ग्रोथ को ज़्यादा करता है, वैसे वैसे यूट्रस का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जब ये यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है फीमेल्स की, उस पर जो यूट्रस है वो अपना प्रेशर डालेगा, जिससे फीमेल को बारी बारी यूरिन करने की चाह होती है, जिसे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि जब फीटस, जो बच्चा है, वो अपनी ग्रोथ करता है तो उसे ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि ब्लड देखिए मदर से ही जाना है और वहीं से बेबी को अपनी ग्रोथ के लिए हर प्रकार का नरिशमेंट मिलना होता है। तो दिल ज़्यादा पंप करेगा ब्लड को, और अगर दिल ज़्यादा पंप करेगा तो किडनीज़ भी दिल को ज़्यादा फिल्टर करेंगी, और अगर किडनी ब्लड को ज़्यादा फिल्टर करेंगी तो ज़्यादा यूरिन बनेगा और जल्दी जल्दी जो है यूरिन पास होगा। तो ये भी फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन प्रेगनेंसी का अर्ली साइनो सिम्टम होता है। अगला है ब्लोटिंग। प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक नेचुरल हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के लिए, जब ये प्रेगनेंसी लग जाती है, मतलब कि जब कंसीव कर लेते हो, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। जब ये रैपिडली इंक्रीज होगा तो जो आपकी पेट की आंतें हैं, इंटेस्टाइन हैं, उनकी मोटिलिटी, जो उनकी गतिशीलता है, वो कम हो जाती है, और जब वो धीमे हो जाएंगे, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जब वो स्लो हो जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहेगी, साथ ही आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग की भी शिकायत हो जाएगी। तो ये हार्मोनल इफेक्ट के कारण होता है।
तो ये कुछ प्रेगनेंसी के अर्ली साइन और सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर आप अपना डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी है। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो पहले नंबर पर है यूपीटी, मतलब कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे आप पीरियड साइकिल के मिस होने पर या जब वो नेगेटिव आए तो आप दोबारा से उसे 7 दिन बाद रिपीट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है बेटा एससीजी हार्मोन टेस्ट, जो कि आपके ब्लड से सैंपल लेकर किया जाएगा और ये भी एक रिलायबल टेस्ट है और इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी है। और तीसरे नंबर पर है अल्ट्रासाउंड, इससे भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और पहली बारी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।